हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज हम इस वीडियो में बीसीसी कोर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसका पूरा नाम होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। यह नाइलिट द्वारा कराया जाने वाला सबसे बेसिक कोर्स है। नाइलिट एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है जो इंडिया में आईटी से रिलेटेड जो जो सर्टिफिकेशन होते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड सर्टिफिकेशन होते हैं, उनको करवाती है। तो बेसिक कंप्यूटर कोर्स क्या होता है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स आप कैसे कर सकते हो और इसको करने के क्या क्या फ़ायदे हैं, वो इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। बाकी ये कोर्स अगर आप सीखना चाहते हो तो ये कोर्स बिल्कुल फ्री है और इसको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के सीख सकते हो। तो इसके लिए आपको विजिट करना है माई पर्सन टेक्नोलॉजी और वहाँ पर प्लेलिस्ट में विजिट करके आप बेसिक कंप्यूटर कोर्स पा सकते हो। तो चलिए देखते हैं बीसीसी कोर्स के बारे में। तो बीसीसी कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है किसी भी यूजर को या किसी भी इसके स्टूडेंट को एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करना कंप्यूटर के बारे में। काफ़ी शॉर्ट टर्म कोर्स होता है ये, अराउंड 1 मंथ या 2 मंथ में इसे कोर्स को कंप्लीट करा दिया जाता है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स में जो सिलेबस यूज किया जाता है वो होता है नोइंग कंप्यूटर। यहाँ पे ज़्यादातर इसमें जो सिलेबस होता है वो थ्योरी बेस्ड होता है, इसमें थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि कंप्यूटर की एक डेप्थ नॉलेज कैंडिडेट को मिल सके। तो नोइंग कंप्यूटर में होगा आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर्स होंगे और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होंगी, कंप्यूटर की हिस्ट्री होगी, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी। देन आता है आपका ऑपरेटिंग कंप्यूटर यूजिंग जीवाई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे हम विंडो पे वर्क करते हैं, विंडो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें जीयूआई यूज किया गया। तो अंडरस्टैंडिंग वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग में आपको एमएस वर्ड पढ़ाया जाएगा और भी कुछ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे नोट पैड और वर्ड पैड वगैरह के बारे में इसमें बताए जाएंगे। देन है यूजिंग स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट जो नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं, या तो लिब्रे ऑफिस का एक्सेल यूज़ करते हैं या तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक्सेल यूज़ करते हैं। बाकी इसी तरह से कुछ और भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम होते हैं जैसे लोटस होता है, वो लाइनेक्स वगैरह पे यूज किया जाता है। देन है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WW, जो आपका 5th चैप्टर है। तो यहाँ पे इंटरनेट के कुछ बेसिक्स बताए जाएंगे, WW क्या होता है इसके बारे में बताया जाएगा और कुछ वेब ब्राउजर्स के बारे में भी बताया जाएगा। देन है कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन। तो कम्युनिकेशन एंड कोलेब्रेशन में यहाँ पे आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी और ईमेल्स वगैरह करना मिल जाएगा इसमें। देन है मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन। तो ये पावर पॉइंट से रिलेटेड चैप्टर है, इसमें पावर पॉइंट में स्लाइड्स बनाना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, उसे प्रेजेंट करना, ये सारी चीज़ें आप सीखने के लिए पाओगे। देन है फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर बैंकिंग स्कीम एंड एप्लीकेशन। तो फाइनेंशियल लिटरेसी, इसमें वित्तीय साक्षरता मिलेगी आपको इस कोर्स में। तो बैंकिंग स्कीम जो है RTGS वगैरह के यूज करना है और IMPS का यूज करना, UPI का यूज करना, ये सारी चीज़ें भी इसमें आपको सिखाई जाएंगी। ये काफ़ी बेसिक कोर्स होता है लेकिन बहुत ही अच्छा कोर्स होता है। तो हम इसका थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखेंगे आप अगर फाइनेंशियल लिटरेसी फॉर बैंकिंग स्कीम में, तो यहाँ पे आप देखेंगे KYC, PMJDY क्या होता है, APY क्या है और भी बहुत सारी जो प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं बैंकिंग से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ने को पाओगे। कार्ड्स के बारे में पढ़ने को पाओगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पे इसका पूरा सिलेबस है, डिटेल व्यू में है। यहाँ पे नवीन कंप्यूटर में क्या क्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कंप्यूटर के कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। और नेक्स्ट चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग में यहाँ पे MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाना, फॉर्मेट करना, एडिट करना, पेज सेटअप करना, ये सारी चीज़ें आप सीखने को पाओगे। स्प्रेडशीट में यहाँ पे स्प्रेडशीट बनाना, सेल्स वगैरह को फॉर्मेट करना और सेटअप करना, वो बुक को सेव करना, उसको सिक्योर करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ का इसका पूरा सिलेबस है। एंड एंड कम्युनिकेशन एंड कोलाब्रेशन है, इसमें ईमेल वगैरह मैंने आपको बताया था, ओपनिंग ईमेल, इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंडिंग न्यू ईमेल, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। मेकिंग स्मॉल प्रेजेंटेशन, यहाँ पे स्लाइड्स बनाना, प्रेजेंटेशन बनाना, उसको प्रस्तुत करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये PDF जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा इसका लिंक, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हो और इस PDF को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। बाकी एक एकदम ओरिजिनल PDF है, नाइट द्वारा प्रोवाइड किया गया PDF, इसका जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे कंटेंट एकदम ओरिजिनल है। इस कोर्स को पढ़ने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हो। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोर्स ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका हो, तो आप चैनल को प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिए और वहाँ पर जाकर के इस कोर्स को अच्छे से सीखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।